सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम प्रवीण सिंघानिया एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बहुत मस्त होगे, मजे में होगे, लाइफ में अच्छे ग्रोथ करते रहोगे। तो वापस हम लोग जा रहे हैं पुणे टू मुंबई घर पे, और ये सरप्राइज है कि सब मालूम नहीं है कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा कुछ 12 बजे के आसपास। सबको लग रहा है पहुँचूँगा रात तक, फिर मॉर्निंग में मैं 5 o'clock उठा था, अभी 6:15 हो गए, सब पैकअप वगैरह सब हमारा हो गया, पैकिंग वगैरह। अभी मैं चेकआउट तो 11 बजे का है, बट हमें जल्दी निकलना है तो फिर अभी निकल जाएंगे हम। और भाई भाई ने मुझे ना एक व्हाट्सएप किया, उस पर सिम्बा रात को 4:30 बजे डोर के पास बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं। देख कैसा लग रहा है ना, अजीब सा। अभी फटाफट चलेंगे, सब सब चले चल के सिम्बा से मिलेंगे अच्छे से। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है, रास्ते में कहीं मिलेगा तो करेंगे, प्रयास से निकलते फटाफट। सो अभी हमारा सब ये रेडी हो गया है, गुक्कू वगैरह सब चीज़ें माला निकाल दो, कि हाईवे पे ना स्पीड तेज माला टूटने का डर रहेगा और फिर ना इसके बहुत एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, क्योंकि कल रास्ते में देखा था बहुत सारी जगह माला गिरी हुई थी। तो ये निकालता हूँ पहले, मैं अच्छे से रख के फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो, बट मैं ना हेलमेट के अंदर कंटिन्यू मुस्कुराए जा रहा हूँ, बिकॉज इतने लंबे ट्रिप के बाद ना फैमिली से मिलने की जो खुशी है ना, वो एक अलग ही होती है। मतलब ऐसे हम लोग रोज़ साथ में रहते हैं, हमारे हमेशा साथ में हम लोग रहते हैं, तो ना वो एक कनेक्शन होता है, मतलब कि हाँ आज तो सब लोग पास में लोग साथ में, बट ऐसे 3-4 दिन अकेले अकेले रहना तो ना ऐसा याद भी आती है फैमिली की। और ऊपर से भाई ने मैसेज भी किया कि सिम्बा का बताया तो और ख़राब लग रहा है, बट अभी हम कुछ सरप्राइज़ करेंगे हम फटाफट पहुँच के। अभी आगे कहीं चल के चाय वाय पीते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं है। और फिर इस बार ना हम लोनावला घाट पे रुकेंगे, अच्छे से रुक के शूट वगैरह करेंगे, देन जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अभी राइड करते हुए हमें हो गए 1 आवर, और 100 किलोमीटर बाकी है। अभी रुकाऊँ एक चाय पीने के लिए, बहुत ठंड है भाई। अभी घाट जो स्टार्ट हो ना, बहुत ठंड लग रही है। अभी तो लोनावला आना बाकी, उस टाइम तो हालत ख़राब होगी। मैं थर्मल लाना भूल गया, थर्मल मेरे को लेना है इसके लिए, ताकि ऐसे वैसे हम ड्राइव कर पाए अच्छे से। चाय पी मैं मिलता हूँ। सो भाई चाय ब्रेक तो हो गया ख़त्म, बट ना इतना ज़्यादा ठंडे लग रही है ना मुझे अभी, और घाट स्टार्ट होने वाले अभी, और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। गाड़ी मतलब ऐसा लग रहा है ना कि स्पीड में चलाऊँगा तो पूरा सुइयाँ चुभ रही है अंदर, और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है अभी। कैसे कैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, करके चलते हैं और देखते हैं आगे कहीं। और यहाँ से घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए नहीं है, तो लोनावला में रुक के कुछ गिफ्ट्स भी लेंगे। बाकी जो ठंडे बहुत ज़्यादा फटे हैं यहाँ पे, और ड्राइव करने में मज़ा भी इतना ही ज़्यादा आ रहा है। आई डोंट नो तुमको मेरी आवाज़ क्लियर आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बोलने जम ही नहीं रहे मुझे बिल्कुल भी। और जो घाट वगैरह कितना दूर रहेगा अभी? लोनावला घाट, लोनावला का घाट, हाँ 3 किलोमीटर। अच्छा चलो, थैंक यू। भाई एक तो जब मैं पुणे गया था ना, तो पुणे में हमको जिस दिन शॉपिंग करना था, मतलब सेकंड डे पे, उस दिन था वेंसडे, और पुणे में ना मोस्टली जगह वेंसडे को बंद होती है, जैसे कि ये एक नेशनल पार्क समथिंग है, जू भी, वो भी बंद था, और ज़्यादा शॉपिंग करनी थी पुणे के फैशन स्ट्रीट से, वो भी बंद था। तो जैसे लोनावला में मैंने एंटर किया तो बोला कि मगनलाल से छुट्टी ले लूँ, और बैग में जगह कम है, और ये मैंने बांधा बहुत अच्छा है वाला बैग, तो उसको तो मैं खोलने वाला नहीं हूँ अभी इसको हाल फिलहाल, तो इसलिए मैंने ऐसा छोटे छोटे पैकेट ले लिए घर वालों के लिए। तो बहुत टाइम से हमको कुछ व्यू देखने मिला नहीं है ना, अभी ये देखो।
एक सिनेमैटिक तो शूट हो गया है, वहाँ सिनेमैटिक शूट हो गया है, अभी स्टार्ट करते हैं वापस हमारा ट्रिप। बस ये कि मुझे ना फोटोज मिल जाए थे पोस्ट करने के लिए, और कुछ चलो भाई दिखा दिखा। अरे वाह क्या बात है। हाँ चलो भाई बड़े के बाइक लो। हाँ गाइस क्या हो गया मेरे साथ, बाप रे बाप। लड़का मेरा ब्लॉग देखता है, उससे बोला कि मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ, नाम भी बोला उसने, और बाद में सेल्फी क्लिक किया। पहली बार लाइफ में ऐसा तो कुछ हुआ है, पहली बार। अरे भाई ये फीलिंग ना, आई स्वेयर। अब पता चल गया मुझे क्या करना है लाइफ। अच्छा वैसे हम लोग पहुंच गए अभी अंबरनाथ में, जस्ट लास्ट अगर पहुंचने वाले, और मैं पहुंचता हूँ घर पे आराम से, फ्रेश फ्रेश होके फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है चलो। सो फाइनली अब टाइम हो गया ये सीरीज को एंड करने का, पुणे सीरीज को। और मैंने ना इसमें से एक दो ब्लॉग पोस्ट किए हैं, तो आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिखा, उसके थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से ये सब चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसा लाइफ है, फर्स्ट टाइम मैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू वो मेरे को पहचाना किसी ने, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड आप सबको दिल से उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड रही बात अब होटल के रिव्यूज़ वगैरह की, तो वो होटल ना मुझे 2400 में पड़ा था, तो 2 दिन के लिए। इस रेट में ना मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर थे और भी होटल से, जो 1 BHK काफ़ी बड़े बड़े रूम्स थे, बट मैंने वही बुक किया क्योंकि ना जहाँ पे हमें ट्रैवलिंग करना था वो लोकेशंस के काफ़ी नियर बाय में वो होटल था, सारी लोकेशंस के, तो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे था, इसलिए मैंने वो होटल बुक किया। और रही बात तो होटल में ना खाली सिर्फ 2 व्हीलर पार्किंग अवेलेबल है, 4 व्हीलर वाले पे पार्किंग अवेलेबल है नहीं। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, आपको सब चीज़ विजिट करना है जगह वो भी जल्दी करना है, तो आप होटल में जा सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर भरपूर टाइम है ट्रैवलिंग के लिए, कोई जल्दी नहीं है आपको, तो आप कोई और होटल करो, क्योंकि वो होटल में ना मेरे को एक दो बार कॉकरोच वगैरह भी दिखे थे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वो होटल के लिए। बाकी आप पे है उसकी कई कई चीज़ें ना, होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, सर्विस वहाँ की काफ़ी अच्छी थी, स्टाफ वगैरह आपको रूम्स में खाना ला के दे देंगे अगर आप लोग उनको बोलोगे तो, एक्स्ट्रा पे करोगे तो। पर बाकी वही बात है ना कि वहाँ पे पार्किंग का इतना स्पेस नहीं है। दूसरी बात की वहाँ पे रूम से मुझे एक बार कॉकरोच वगैरह भी दिखे, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा वो होटल के लिए। और बाकी आज का व्लॉग इतना ही, और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। और मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का प्लान करूँ, कमेंट करो फटाफट बताओ। एंड जस्ट आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लव यू एंड पीस आउट।